वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि स्टाफ कॉर्नर से एसीबी फार्म के लिए अप्लाई अपन कैसे कर सकते हैं। यहां पर अप्लाई फॉर एसीबी और कन्फर्मेशन फॉर्म, दो टाइप के फार्म दिए हुए हैं। यहां पर ये स्थायीकरण के लिए फॉर्म है और ये एसीपी के लिए फॉर्म है। इस वीडियो में मैं आपको 18 वर्षीय एसीपी का प्रोसेस बताने वाला हूँ। 18 वर्षीय यानी सेकेंड एसीपी है। इसमें 9, 18 और 27 ये सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय के लिए लगता है, यानी तृतीय श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक, और 10, 20 और 30 लगता है राजपत्रित अधिकारियों के लिए। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय तृतीय श्रेणी अध्यापक है और सेकेंड एसीपी है। सेकेंड एसीपी 18 वर्षीय बाद मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भरा हुआ बताऊंगा, आप इस वीडियो में बने रहें। स्थायीकरण प्रोसेस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले अभी अपन देखते हैं यहाँ पर एसीबी फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपना स्टाफ लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फील आफ्टर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर स्टाफ विंडो का डैशबोर्ड प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें फॉर्म के टैब में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फॉर्म्स, इसको कर लेंगे क्लिक। यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पर ये दोनों टाइप के फॉर्म शो हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर कन्फर्मेशन फॉर्म स्थायीकरण के लिए है और ये एसीपी के लिए है। स्थायीकरण की प्रक्रिया अक्टूबर 18 में लगे कर्मचारियों की है। अभी लार्ज स्केल में स्थायीकरण होने वाले हैं और इसके बाद में आएंगे फरवरी 21 में। फिलहाल वीडियो में देखते हैं एसीपी प्रोसेस। इसको क्लिक किया, ये एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो प्रपत्र 10 से आ रही है। अपन नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर है बेसिक जानकारी, मूल पद जिससे एसीपी की गणना की जानी है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी लेवल 2 अध्यापक, ये ऑटोमेटिक पद उनका आ रहा है। कार्यग्रहण की तिथि यहाँ पर अपडेट है ऑटोमेटिक। अब नियुक्ति आदेश, नियुक्ति आदेश इसमें यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है आपका नियुक्ति आदेश, मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, मैं वो भी बताऊंगा। अब जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ भी स्कैन कॉपी पड़ी है वहाँ पर ले जाएगा, ये अपलोड करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस फाइल को पहले से अपलोड करके रखा है, वी अटैचमेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका नियुक्ति आदेश इसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट है स्थायीकरण तिथि। यहाँ पर स्थायीकरण तिथि कब हुई थी, यहाँ पर एम्प्लॉय लगा है उसके आफ्टर प्रोबेशन कंप्लीट तिथि है यहाँ पर, और इसका भी स्थायीकरण आदेश यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। स्थायीकरण आदेश अपलोड, ये वी अटैचमेंट, ये 2 साल बाद प्रोबेशन कंप्लीट के बाद में ये आदेश स्थायीकरण आदेश हुआ था इनका। उसके बाद में आता है संवर्ग। यहाँ पर संवर्ग में 3 टाइप का ऑप्शन है, मंत्रालय कर्मचारी है, अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा। मंत्रालय कर्मचारी नहीं है यहाँ पर, अपन अधीनस्थ सेवा यानी सबॉर्डिनेट सर्विस, सबॉर्डिनेट सर्विस में है इसलिए अधीनस्थ सेवा चॉइस किया जाएगा। यहाँ पर अगर फर्स्ट ग्रेड में होते तो राज्य सेवा चॉइस किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है शैक्षणिक योग्यता। एम्प्लॉय की शैक्षणिक योग्यता प्रपत्र 10 में भरी हुई है और प्रशैक्षणिक योग्यता। अब नेक्स्ट है सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। यहाँ पर सेवा काल के दरमियान कोई पदोन्नति नहीं हुई, अगर आपने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पदोन्नति हुई तो उसका विवरण लिखना है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है तो इसको यहाँ पर यस और नो लागू नहीं, यहाँ पर नो कर लेंगे तो ये ऑप्शन पूरे हाइड हो जाएंगे। इसके बाद में आता है पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। यहाँ पर 6 पे लागू हुआ था और 6 पे में ये एम्प्लॉई का एसीपी आदेश है वो यहाँ पर अपलोड है, उसकी तारीख और विकल्प पत्र के साथ। पर यहाँ पर चॉइस किया हुआ प्रकार 6 पे और वेतन आयोग, यहाँ पर 6 पे और वेतन पेमेंट उस समय चलता था यहाँ पर 9,300 से 34,800 सेलेक्ट किया हुआ है, और ग्रेड पे उस समय चलती थी यहाँ पर 3600 लिखी हुई है, और प्रभावित दिनांक कब दिनांक और स्वीकृति क्रमांक और स्वीकृति दिनांक, और यहाँ पर ये आदेश की कॉपी अपने अभी अभी देखिए लगी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पुनरीक्षित वेतनमान 2008 से 2017 में निर्धारण का विवरण। यहाँ पर फर्स्ट 6 पे लगा था उसका विवरण अपन ने यहाँ पर डाल दिया, जो जो वेतनमान लागू हुए
उसका है फर्स्ट सिक्स, सिक्स पे का अपन ने देखा है, उसका आदेश भी अपन ने अभी देखा था। अब सेकेंड यहाँ पर सेवन पे लागू हुआ। सेवन पे में यहाँ पर वेतनमान ग्रेड पे वगैरह कुछ भी नहीं था डैश, और ये इम्प्लॉय का लेवल आ गया लेवल 11। और कब लागू, एक एक 16 से ऑप्शन लिया था इम्प्लॉय ने, और यहाँ रहा वीव अटैचमेंट में, उसका आदेश अपलोड किया हुआ है, इम्प्लॉय का आदेश है। और यहाँ रहा इम्प्लॉय का विकल्प पत्र 1 जनवरी 2016 से ऑप्शन फॉर्म लिया था। यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रेजरी की मोहर वगैरह लगी हुई है, ये आदेश अपलोड है। आप जैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर सेव बटन देगा, और अगर उसको एडिट करना है कोई गलत आदेश, आदेश यहाँ पर अपलोड करने के बाद में आपको चेक कर लेना है कि वही आदेश लगा है या कहीं दूसरा आदेश तो नहीं लगा है उसके बदले में, वो आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। और अगर इस डेट वगैरह में कोई मिस्टेक हो तो यहाँ पर ये एडिट बटन दिया हुआ है, इससे एडिट कर सकते हैं, और बिल्कुल ही गलत हो तो यहाँ पर डिलीट बटन दिया हुआ है, इससे डिलीट भी हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड वेतन आयोग का विवरण। अब यहाँ पर आवेदित एससीपी का विवरण, कौन किस टाइप की एससीपी लेनी है, अपना 18 वर्षीय लाभ लेना है तो यहाँ पर 18 सेलेक्ट कर लिया, दे दिनांक यहाँ पर जिस तारीख को पूरा हो रहा है, और दे आयोग सेवन पे, वेतन आयोग चल रहा है सेवन पे, सेवन पे में कोई वेतनमान पे स्केल वगैरह नहीं चल रही है, यहाँ पर लेवल है तो लेवल 12 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आफ्टर यहाँ पर दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्रियों की संख्या, यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर उनकी जन्मतिथि है, जैसे कि नेक्स्ट में यहाँ पर संतान की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, उनकी जन्मतिथि लिखी हुई है, और यहाँ पर ये सेव किया हुआ है। और अंत में आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र, यहाँ पर एफिडेविट अपन को स्टाम्प पे बनवाना है, यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग 1/6/2002 एवं उसके पश्चात तक जीवित पुत्र पुत्रियों की संख्या, और यहाँ पर उसको भी अपलोड कर देना है, यहाँ पर किया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया है, यदि है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं सेलेक्ट करके इसको अपडेट कर लेना है। और लास्ट में आता है यहाँ पर फाइनल सबमिशन। अभी फिलहाल फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे प्रेषित करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल कन्फर्म हैं तो यस कर लें। यस करते ही यहाँ पर एक ओटीपी देगा, और ओटीपी के माध्यम से ये पूरी फाइल आपके पीओ में पहुँच जाएगी, शाला दर्पण के माध्यम से अप्रूवल करने के बाद में आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। मैं अभी इस फाइल को यहीं पर ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह और भी कुछ अपडेटिंग्स बाकी हो, तो मैं उसको भलीभांति पूर्ण करने के बाद में फाइनल सबमिशन करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर अभी इसको नो कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी एससीपी एंश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस की प्रोसेस, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन स्थायीकरण की प्रोसेस, जो भी 2018 में जो कर्मचारी के लग गए हैं वो लार्ज स्केल में स्थायीकरण होने वाले हैं अक्टूबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।